السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاوزة رمضان مطابق 13 جولائی کا یہ سیکشن آج مدینہ شریف سے ریکارڈ کروا رہا ہوں. آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ ہے, یہ پہلا ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پلیز ٹیل اباؤٹ فاسٹنگ ریوارڈ. اباؤٹ فاسٹنگ ریوارڈ روزے کا بہت ہے. حدیث میں بقصد روایات کے بارے میں آئی ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, ہر پر ہی اس کی جزا دینے والا ہوں, اجزی بھی ہے اور عدلتی مجزبی بھی ہے. اس کے معنی پر مطلب یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس عمل خیر کی جزا خود میں ہوں, یعنی میری رضا اور میری خوشی حاصل ہوگی جو صحت عقیدہ اور ایمان کے ساتھ کا یہ پہلی شرط ہے. جو سن جی صحیح العقیدہ طور پر اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ کے اس کے لیے بڑے ثواب کی جو امید ہے جو حدیث میں بیان ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارے حدیث ہیں. جی حضرت, آپ نے ایئر 2000 کے دوران ڈربن میں مائک پر نماز نہیں ہوتی کا فتویٰ فرمایا تھا. اب ہمارے یہاں مائک پر نماز کے جائز کرنے پر ایک حافظ صاحب نے کہا ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے اجازت دے دی ہے کہ عوام فتنہ پیدا کرے تو مائک جائز ہے. Is there any change in فتویٰ? No, there is no change in فتویٰ. جی, جو امام خود کی مرضی سے مائک پر نماز پڑھائے اس امام کی اقتداء کرنے کا کیا حکم ہے, اور اگر امام خود کی مرضی سے نہیں پڑھانا چاہتا عوام زور دیتی ہے تو ایسی صورت میں مقتدی جو نماز مائک پر ادا نہ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو امام اپنی مرضی سے لاؤڈ سپیکر لگواتا ہے اور پہلے بات پہ آتا ہے جبکہ وہ شریعت کا کافی علم نہیں رکھتا اور مسائل شریعت کے جاننے میں کئی سکھلان میں وہ خود مستقل نہیں ہے, مفتی کے منصب پر نہیں ہے, تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت اہل سنت و جماعت
इन्होंने इत्तेफाक रहा ये बता दिया क्या नमाज का के नमाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना चाहे तो खिलाफ एहतियात है, उस पर लाजिम है उठ के इस फतवे पर अमल करे और कौले जमहूर से बाहर न जाए, अपनी ख्वाहिश को हुक्म शरा पर मुकदम न करे। उसके अपने हुक्म शरा यही है कि वह कौले जमहूर को माने, अगर नहीं मानता तो गुनाहगार है। आप जो लाउड स्पीकर की आवाज पर इख्तिला न करें, बल्कि इमाम की आवाज सुने या हमारी सबसे जो मकसद है उनके उनको देख करके उनको यूज करें, लाउड स्पीकर की आवाज पर इत्मीनान न करें, उन लोगों की नमाज बहरहाल हो जाएगी जो चश्मी वारा जोर जबरदस्ती से माइक लगा दे तो उनके उस पर गुनाह उनके ऊपर है, दूसरे पर इल्जाम नहीं है। जी, कोई अगर सैयद है और उनका कारोबार कमजोर हालत में है और वो माली हालत से कमजोर है और उन पर मकान का किराया और कर्ज काफी बढ़ गया है और थोड़े टाइम में उनकी बेटी की शादी भी है, एक बेटे का इलाज चल रहा है और वो बहुत परेशान हाल है, क्या सैयद होते हुए भी उनके किसी तरह से जकात की रकम दी जा सकती है? लेकिन हाँ, उनकी बीवी सैयद नहीं है तो जकात की रकम उन्हें दे दी जाए जिससे वो अपना कर्ज मकान का किराया अदा कर सके, और अगर बेटी की शादी पर कुछ खर्च कर सके तो क्या कोई तरीका है? बीवी को जकात की रकम दे दे और बीवी को बारी बना दे, बीवी सैयद साहब को हत्या कर दे, सूरत में जवाब देना हो जाएगी और सैयद साहब की मदद हो जाएगी और शादी भी आवारा में सैयद की औलाद को या खुद सैयद को जकात नहीं दे सकते। देने का तरीका वो है कि बीवी को दे दे या किसी फकीर मुस्लिम को मालिक बना करके, उससे ये रकम ले करके उनसे ये सब कुछ कर दे। जैद हाफिज कुरान है और मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाता है, जैद की दाढ़ी भी एक मुश्त नहीं आई है, जैद की दाढ़ी अभी एक मुश्त नहीं आई है और उसने हजाम के पास दाढ़ी बनाते वक्त उसको सेट करने के लिए उलझे हुए मामूली बाल छुटवा लिए, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज किया तो जैद ने तौबा कर ली और दाढ़ी को आइंदा न छुटवाने का अहद किया। तो अब पूछना ये है कि क्या जैद तरावी की नमाज पढ़ा सकता है? जैद के पीछे तरावी की नमाज होगी, दाढ़ी की एक मुश्त हद कहाँ से शुरू होती है? दाढ़ी की एक हद मुश्त हद जो लटके हुए बाल हैं वो एक मुश्त होना चाहिए और अगर अभी उस शख्स की दाढ़ी नहीं निकली है पूरी
चेक अप नहीं कराई तो उस पर इल्जाम नहीं है। फिर साइन ने बताया कि उसने जो बाल जो कुछ उलझे हुए थे या उनको छिटका लिया, उसे तौबा कर लिया है। अगर तौबा ऐसा हफ्ते कर लिया है तो उसकी इमामत जायज है। जी, हिंदा को शुगर है जो 450 था, 450 तक पहुंच जाता है और ब्लड प्रेशर भी है जो लो हो जाता है। इस वजह से उसके डॉक्टर ने उसे रोजा रखने से मना किया, पर वो डॉक्टर हिंदू। अब हिंदा क्या करे और कफारा क्या है? अगर वो शदीद मरीज है या वो हालिब को मान रखती है किसी तबीब हाजिर के बताने से, तबीब हाजिर मुस्लिम होना चाहिए। तबीब हाजिर मुस्लिम के बताने से उसको गालिब को मान रहे रोजा रखेगी तो हलाकत का खतरा है या सही अंदेशा है तो उसका बच जाएगा, तो इस सूरत में रोजा छोड़ सकती है। हिंदू डॉक्टर के कहने से मामूली मरज हो उसको रोजा छोड़ने की याद नहीं है। फितिया साहब यहाँ पर बोली है जो फितरे की व्यवहार है, कितने रोजे दर रखती कितने रोजे हर तरीका से जा रहे। रमजान में तीन वितर जो जमात से होती हैं, अगर किसी वजह से दो रकात में हम शामिल न हो सके और तीसरी रकात में जमात में शामिल हुए तो हमें नमाज किस तरह से मुकम्मल करनी चाहिए, दुआए कुनूत किस रकात में पढ़ना चाहिए? दुआए कुनूत पढ़ने का हुक्म नहीं है। इमाम के साथ तीसरी रकात पे शरीक हुआ रुकू में यह बात है रुकू उसको दुआए कुनूत मिलकर या नहीं मिली। इन तमाम सूरतों में इमाम ने यह दुआए कुनूत पढ़ी और ये काफी है। बाकी तो रकतें दस्तूर पूरी कर दे। गोल्ड की जकात खरीदी कीमत या बेचने की कीमत पर निकालना होगी क्योंकि बेचने की कीमत 13% कम होती है। गोल्ड की जकात खरीदी कीमत या बेचने की कीमत पर निकालना होगी क्योंकि बेचने की कीमत 13% कम होती है। जो बाजार भाव है उस पर निकालना चाहिए। जी, बाजार भाव पर निकालना चाहिए। बाजार में खरीद का भाव या बेचने का
ये बाजार में खरीदने का भाव या बेचने का भाव, उसमें भी कहते हैं अलग होता है। जो भाव समझ चल रहा है उसी भाव से निकाले, अगर पैसे निकालते। इफ्तार और मगरिब की अजान और जमात के बीच में कितना टाइम होता है? इफ्तार के कितने टाइम के बाद अजान होनी चाहिए? क्या इफ्तार के 6 मिनट बाद जायज है और जमात 10 मिनट बाद? इफ्तार के 'रूबे आफ्ताब के बाद पूर्व में आफ्ताब हो जाए, उसके बाद एहतियाती जो मिनट है 3 या 5 मिनट, मामूली इफ्तार करके मौजूद अजान दे, फिर रोजादार जल्दी इफ्तार से फारिग होकर के अच्छा, क्या रमजान उल मुबारक के महीने में वक्त सहरी और वक्त इफ्तार में कुछ मिनट का एहतियात जरूरी है? ये एहतियात हर मौसम में हर जमाने में जरूरी है जी। वक्त गुरूब जो तफीम में लिखा होता है उसके बाद कम से कम 3 मिनट या 5 मिनट बाद दी जाती है। मदरसे में तलबा छुट्टियों पर घर जाते हैं, फिर वापस दाखला लेने के लिए 2 दिन लेट हो जाते हैं। 2 दिन लेट हो जाने पर पेनल्टी ली जाती है और ये कहकर लिया जाता है कि ये नाश्ता चार्ज है। ऐसा करना कैसा है? ये जायज नहीं है, ये भारी जुर्माना है, भारी जुर्माना है, किसी बहाने से जायज नहीं है। ज़कात के पैसे किस तरह अदा करें? जिसको ज़कात के पैसे दिए जा रहे हैं अगर उसको पता ना हो कि ये ज़कात के पैसे हैं तो इस हाल में ज़कात अदा होगी? ज़कात अदा हो जाएगी, ज़कात की ये जरूरी नहीं है। क्या मतलब कि फकीर ने मुस्लिम को ये बताए कि मैं तुझे ज़कात दे रहा हूं, कि वो रकम उसको दे करके उसको मालिक बना दे जी। क्या ज़कात के पैसे अलग अलग लोगों को दिए जा सकते हैं या एक ही आदमी को देना होगा? अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं। क्या ज़कात के पैसों से रोजेदारों को खाना खिलाया जा सकता है? खिलाया जा सकता है, उससे ज़कात अदा हो जाएगी, बशर्ते कि वो खाना फकीरों को दे करके मालिक बना दे। और अगर बतौर इबाहत खाना खिलाया तो इस सूरत में खाना मेजबान की मिल्क होता है, खिलाने वाले की मिल्क पर बाकी होता है। इस तरह पर खाना खिलाया तो ज़कात अदा होगी। जी, कैन ए फैमिली मेंबर रिसीव फितरा ज़कात इवन दो दे हैव ए स्मॉल शॉप दैट डजंट मेक मनी एंड दे आर करंटली स्ट्रैंडेड फॉर मनी? अगर वो बाहर की तायत
आ नहीं सकते हैं। अब उसको हाजत है, तारीख का हिसाब नहीं है, तो मैं ज़कात कैसे दे सकते हैं। कि रोजे के दौरान हम वुजू करते हैं तो पानी मुंह में रह जाता है, कुल्ली करने के बाद अब नमाज के बीच में वो इतना ज्यादा हो जाता है कि सालिवा के साथ सलाइवा के साथ तो क्या पिया जा सकता है और रोजा तो नहीं टूटेगा। साथ ही मुंह में रोजे के दौरान पानी बनता है तो क्या उससे थूकते रहें या उसे पिया जा सकता है। थूक है जो अंदर चला जाए उससे रोजा नहीं जाएगा। किसी मस्जिद में इफ्तार पार्टी होती हो और उस इफ्तार पार्टी में खाना और शरबत भी गिरता है मस्जिद में, क्या ये जायज है? ये जायज नहीं है। फिर इफ्तार पार्टी करना मस्जिद में, हजरत वजाहत फरमा दें। मस्जिद में इफ्तार पार्टी करना जायज नहीं है। जी, तरावी स्पीड से पढ़ना कैसा है? स्पीड से ये नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या रोजेदार के रोने से उसका रोजा मकरूह हो जाता है? नहीं। मगरिब का आखिरी वक्त कितना है, इनायत फरमाए? इशा के वक्त तक है। हुजूर, तरावी में पूरा कुरान खत्म करना सुन्नत मुअक्कदा है या किफाया है? जी, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। अक्सर रमजान शरीफ में जो शबीने होते हैं वो करवाना दुरुस्त है या नहीं? शबीना कम से कम 3 दिन, ये जो 1 दिन में कर लेते मुन के कुछ चुनाई नहीं पड़ता, ये जायज नहीं है। शबीने में अक्सर से देखा गया है कि शबीना होता रहता है और लोग चाय नोशी बारह मजबूत रहते हैं। इस अमल से लोगों को एतराज चाहिए। सब मैं भी और इमाम के बिल्कुल पीछे भी इमाम के आवाज पर लाउड स्पीकर का आवाज गालिब होता है, क्या उस सूरत में अगली सफ वालों को देखकर नमाज पढ़ सकते हैं? अगर शहर में सारी मसाजिद में लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ाई जाती हो तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज ना छोड़ें। सबके पत्नियों को देख करके या इमाम की आवाज पर कोशिश करें, लड़ फिर की आवाज पर एतमाद न करें, नमाज हो जाएगी। बैत के लिए हैं वकास रफीक, मोहम्मद आसिफ खान, सनाफ मोहम्मद कबीर खान, मोहम्मद शमशाद आलम, सनाफ मोहम्मद फहीमुद्दीन, सादिया हलीमा, सनाफ या डॉक्टर मोहम्मद कलीमुज़्ज़मा खान, मोहम्मद शाहजेब फहीम, सनाफ मोहम्मद शमशाद आलम, समिया फातिमा, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद शमशाद आलम, मोहम्मद फारूक इब्ने मोहम्मद हारून, नौमान इब्ने शाहिद, रहमत अली कुरैशी हो जाए, सैयद अजहरुद्दीन, मोहम्मद फारूक अहमद, मोहम्मद फहीमुद्दीन, शेख एजाज, शहनाज, ताहिरा, शबाना, शहनाज खान, फैजान रजा, गुलाम सहेल रजा बोधानी, हानिया मोहम्मद उस्मान, शेख अहमद हुसैन, सनाफ मोहम्मद हुसैन, रुखसाना अहमद,
वाइफ ऑफ अहमद हुसैन, सुरैया बी वाइफ ऑफ सादिक अली, मोहम्मद शहजाद सनाफ अहमद हुसैन, मोहम्मद एजाज सनाफ अहमद हुसैन, नाहिद बी डॉटर ऑफ अहमद हुसैन, अयाज अंसारी सनाफ अब्दुल अजीज अंसारी, हसन सनाफ अब्दुल हमीद, और सबरीन जौजा हामिद रजा, सबीन बिनते अब्दुल रजाक, शाइस्ता जौजा काशिफ सना, जोबा शाहिद, शाहिद अब्दुल रजाक, रफीका अब्दुल्ला, अमीना इस्माइल, मदनी कादरी काशिफ रजा, मुजतबा कादरी काशिफ रजा, अफशीन जौजा अब्दुल वाहिद, कंवल जौजा सज्जाद, मिशकात फातिमा, मोहम्मद शाहिद, आयशा मोहम्मद शाहिद, अब्दुल बारी या क्या है ये, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद नौमानी, मोहम्मद शाहिद, अब्दुल रजाक सुलेमान भांगड़ा, शाहिदा अब्दुल रजाक, तो दुआ की है यार, मोहम्मद ओएस रजा, मोहम्मद उबैद रजा, सादिया बानू, अहमद रजा, मोहम्मद जमील रजा, सोरबा बानू, और सगीर मुनीर या सगीर, मोहम्मद असलम, रुखसाना, अरबिया, इकरा, हरमैन, मदीहा, मुतय्यबा, फिरोज, मोहम्मद आसिफ, सईद अंसार हुसैन, जैतून खातून, मोहम्मद सलीम, जकी मोहम्मद, गौसिया परवीन, आमिना, मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद मुस्तफा रजा, जैनब बीबी रुकैया, फिर जुनेद, मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद रजा, इन सबको दाखिले सिलसिला कर लीजिए। जी अलिब होने के लिए मुइनुद्दीन नसरीन इब्ने आयशा, जी, और तजदीद बैत के लिए मुजम्मिल पाला, फारूक रजा कादरी, मोहम्मद इम्तियाज, गुलाम मुइनुद्दीन और सूफिया, इन लोगों को दोबारा बैत किया। जी हुजूर, मेरी वालिदा माजदा की तबीयत 7 सालों से खराब है, दुआ फरमाए और कोई वजीफा अता फरमाए, मोहम्मद अजीजुर रहमान अंसारी। सूरे फलक और सूरे नास पढ़ लें। हुजूर मेरा सवाल यही ये है कि मैं 4 साल से हाफिज हिफ्स कर रहा हूँ, मगर कुछ जहन नशीन नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप मुझे बेहतर राह बताएं कि मैं क्या करूं। अहमद रजा रजवी। जी पढ़ते रहे, अल्लाह ताला आसान करें। मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ तो बुरे ख्यालात हो जाते हैं, इससे छुटकारा पाने का कोई वजीफा बता दें प्लीज। अकील अहमद, नमाज बदस्तूर पढ़ते रहे लाहौल की कसरत करें। जी नमाज बदस्तूर पढ़ते रहें और लाहौल की कसरत करें। हुजूर मैं अपने कपड़ों की दुकान का नाम सुन्नत नाम से रखना चाह रहा हूँ, क्या ये नाम शरीयत के दायरे में सही है? समीर रजा। कोई और नाम रखें। आपसे इजाजत लेना चाहते हैं कि मैं इसमें आजम कर रहा हूं, बस आप भी इजाजत दे दीजिए। आपका गुलाम शहबाज आलम। इजाजत है? इजाजत है। हजरत गैस की प्रॉब्लम है मुझे, जिसकी वजह से मेरे सीने में दर्द होता है, कोई वजीफा और दुआ का नाम इनायत फरमाएं। साकिर रजवी उदयपुरी। दुरूद शिफा पढ़ें। जी मैं आपसे मुरीद हो गया हूँ अपने नाम के साथ, रजा लिखने की इजाजत चाहता हूँ। आई वुड लाइक यू टू ग्रांट मी परमिशन टू रिसाइट बशायरुल खैरात ऑफ शेख अब्दुल कादिर जीलानी एंड हिजबुल बहर ऑफ शेख अबुल हसन शाजली, मोहम्मद वसीम। पढ़ें। आई हैव बैड हैबिट्स, प्लीज गिव मी वजीफा टू लीव दिस हैबिट, मुस्तफा मोमिन। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। कसीदा गौसिया पढ़ने की इजाजत फरमा दें
और इल्म जफर का सीखना कैसा होगा और किन किताबों से सीखा जाए? मोहम्मद जुबैर। इजाजत है, शरीयत के फराइज और वाजिबात का इल्म सीखिए। जी, कसीदा गौसे की इजाजत है और शरीयत के फराइज और वाजिबात का इल्म सीखे। दुआ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआ के सदके में हमने यहाँ कांगो लुबुम्बाशी में हर इतवार के रोज नूरी महफिल की शुरुआत की है। आपसे गुजारिश है कि दुआ की मौला तबारक व ताला इसको सुबह कयामत तक जारी रखे और इसके बेशुमार बरकातों से हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत को दुनिया व आखिरत में माला माल करें। आमीन। फजल अहमद रजी अजहरी, लुबुम्बाशी, कांगो, DR। अल्लाह ताला कामयाब करे, कबूल करे। सेहत और नेक तमन्नाएं, गुड हेल्थ, रिश्ते में बेहतरी हो, उम्रा और मस्जिद नबवी में एतिकाफ के लिए आसानी और कबूलियत, कार बदल लूं, हरमैन शरीफैन में दुआ, दुनिया व आखिरत की भलाई के भले की दुआ फरमा दें, मगफिरत की दुआ, बहन की सेहत, नजर बद से नजात, असरात से नजात, नरीन औलाद, स्कूल एडमिशन, वालिदा की सेहत, डिलीवरी खैरियत से हो जाए, औलाद हो जाए, वालिद साहब का कारोबार ठीक हो जाए, जीलसी की आदत निकल जाए। इन तमाम तमन्नाओं और दुआओं के लिए अर्ज करते हैं जनाब वकास रफीक, मोहम्मद शादाब रजवी, रिजवान काजी, मोहम्मद रेहान खान और मोहम्मद इकबाल बेंगलोर, मोहम्मद जुनैद यासीन, फारूक रजा कादरी, कलीम रजवी, निगार फातिमा, हुस्ना फातिमा, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद वसीम रजवी, मुइनुद्दीन अहमद रिजवान, सैयद बाबा ताजुद्दीन, मोहम्मद कादरी, फरहान अहमद, नफीसा बिल्लू माही, फैजान रजवी, निजामुद्दीन रजवी, एम सलीम शाहिदी, इरफान अशरफी, आबिदा बेगम और आयशा सिद्दीका। जी, फिर से अल्लाह सबकी बातें पूरी करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करें। हजरत दुआ फरमा रहे हैं, हुजूर ईमान पर खातिमा और बकी शरीफ में दफन होने की दुआ, अच्छे अखलाक और नमाज की पाबंदी, मेरी वालिदा, भाई बहनों और भांजों की सेहत के लिए दुआ, परेशानियां दूर हो जाएं, बहनों भाइयों का रोजगार लग जाए, आपकी मोहब्बत में फना हो जाऊं। कौन गजा? अच्छा, गजा के लिए दुआ कर दीजिए। गजा पट्टी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर दीजिए और जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं। इसको क्या करना है? अल्लाह सबको।